हेलमेट पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसके पीछे रीज़न ये है कि पिछले काफ़ी लंबे समय से मैं हेलमेट ढूंढ रहा था जो लाइट वेट हो, बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम स्पॉन्डिलाइटिस, नेक पेन प्रॉब्लम, एंड इट्स वेरी गुड कंपनी एंड वेरी गुड हेलमेट आई हैव। इट्स ओपन फेस हेलमेट विच आई वॉज यूजिंग फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट अबाउट 5 to 6 years, एंड स्टिल इट्स वर्किंग वेरी गुड। द लाइनिंग इज ऑल्सो इन गुड शेप, एंड बट द वेट ऑफ दिस हेलमेट इज अराउंड अबाउट 850 grams। ये लाइट वेट है बट स्टिल उससे भी लाइट वेट हेलमेट मुझे चाहिए था जो कि मेरे नेक पे और हेड पे कम वजन डाले। सो फॉर दैट पर्पज टुडे आई बॉट दिस स्टील बट हेलमेट। दिस इज स्टील बट हेलमेट और इसके पीछे भी वेट लिखा हुआ है, यू कैन सी इट्स अराउंड अबाउट 700 grams। जो मैंने वजन काटे पे भी चेक किया एंड इट कम्स अप टू 650 grams, सो 700 grams अभी लाइट वेट है, सो इसलिए मैंने ये हेलमेट खरीदा है। नाउ ये हेलमेट बहुत स्ट्रांग है, इफ यू कैन सी हियर देयर इज अ स्क्रैच। 1 year back आई मेड विद एन एक्सीडेंट ऑन माय एवेंजर एंड बहुत बुरी तरह से गिरा हूँ मैं नेशनल हाईवे पे, पीछे से किसी ने बाइक ठोक दिया था और मुझे कुछ समझ में आया इसके पहले हिज बाइक और मेरा बाइक दोनों ऐसे रोल ओवर हो गए पूरे स्ट्रीट पे। और ये मेरा जो मेट्रो का काम चल रहा है पूरे बॉम्बे हाईवे पे, उस पर जो बीच में मेटल के गिरा बैरिकेड्स है उस पर घिसा हुआ है और रास्ते पे, और यहाँ पे भी मुझे स्क्रैच आया हुआ है बहुत बड़ा जिसको हील अप होने में भी काफ़ी टाइम गया। सो बट आई वॉज वेयरिंग हेलमेट, हैंड ग्लोव्स एंड माई जैकेट, सो उसकी वजह से मैं बच गया। सो थैंक्स टू दिस हेलमेट। नाउ अगेन कमिंग बैक टू द स्टील बर्ड हेलमेट, ये मैंने पिंपरी से ख़रीदा है, टूना स्कूटर्स करके एक शॉप है जहाँ पे अच्छे खासे हेलमेट्स मिलते हैं, और मैं मेरे साथ ये वजन काटा भी लेके गया था टू चेक द वेट ऑफ दिस हेलमेट। मैं आपको बताऊँगा कि इसका वेट भी कैसा है, दोनों हेलमेट्स का वेट करके बताऊंगा, लेकिन उसके पहले लेट्स चेक आउट दिस हेलमेट। दिस इज बिट स्मॉलर देन वेगा हेलमेट इन साइज, ओके, एंड इसका लाइनिंग भी उतना अच्छा नहीं है जितना वेगा का है, काफी पतला लाइनिंग है इसका, और वाइजर काफी ठीक ठाक है। ये मैंने शॉप से ख़रीदा है तो इसके साथ बॉक्स वगैरह कुछ मैं लेके नहीं आया, जो था डिस्प्ले पीस वही लेके आया हूँ। सो लेट्स चेक हाउ इट फिट्स, सो ये कुछ इस तरीके से बैठेगा और ये काफ़ी लाइट वेट है, मतलब यू कैन नॉट इतना कुछ खास इसका वेट आपको लगेगा भी नहीं, बहुत लाइट वेट। सो आई थिंक जिन भी भाइयों को बहनों को इसकी नेक पेन की प्रॉब्लम है उनके लिए ये हेलमेट मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ। 650 ग्राम इसका वजन है, इसका एक ही प्रॉब्लम है इसके साथ, ये क्विक रिलीज स्ट्रैप नहीं है। वैसे भी मैं इसके साथ यूज्ड टू नहीं हूँ, वेगा का काफी अच्छा आता है, इजीली खुल जाता है वो। अगेन ये ऐसा मार्क है तो दिस विल वर्क और इट विल नॉट फाइंड यू, ओके। नाउ आई विल शो यू दिस वेगा हेलमेट, ये अभी भी काफी अच्छे शेप में और सपोर्टिंग थोड़ा सा लूज हो गया है, दिस इज ऑल्सो गुड हेलमेट, बट वजन थोड़ा ज्यादा होने के कारण आई विल बी ट्राइंग दिस स्टील बर्ड हेलमेट नाउ। इसका स्ट्रैप इजीली निकल जाता है और जिनको अगर स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम नहीं है दे कैन गो फॉर दिस टाइप ऑफ हेलमेट।
ये मैंने स्टील बट का हेलमेट अभी इसके ऊपर रखा है, ये दिखाएगा 655 ग्राम्स। दिस इज़ द एक्चुअल वेट ऑफ दिस हेलमेट, कहीं से भी टच नहीं हो रहा है। ओके, नाउ लेट्स चेक विद द वेगा हेलमेट। दिस इज द वेगा हेलमेट। ओके, सो ये है 836-837 ग्राम्स। ओके, तो इसका वजन 200 ग्राम्स से ऑलमोस्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्टील बड हेलमेट। तो जिनको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, नेक पे ज़्यादा लोड नहीं सहन कर पा रहे थे, उनके लिए ये हेलमेट आई थिंक बेटर चॉइस रहेगा। नाउ वन मोर थिंग इज लाइक, हियर यू कैन सी द बार कोड एंड द टेक्स्ट बिहाइंड इट, बिलो दैट, दैट इज अ PUC code. Now what we have to do is we have to download the Android app for this helmet. It is you can download it from steelbudconnect.com, which is also available on the Play Store. Then after you download it, you open the app, put your phone number, then you'll get the OTP on your phone number. Then you can register yourself. Also, the barcode provided on this helmet, you can verify the product it or product is original or not. And the PUC code, which is available after scratching below that barcode, you can put that. And you can win the lucky draw. There are daily lucky draw on this app from Steelbird, and you will get different kind of goodies which are shown here. Like Monday you will get the hand gloves, then Thursday jacket, then Wednesday shoes, like that. And the biggest prize is Alto 800. I'm doubtful about this Alto 800 because it's out of the market now, but still they have done something good for the customers. Thank you. That's it for now.